नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए एसएससी जीडी लास्ट ईयर के कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है यू और वी का अनुपात 4:7 है। U और V का अनुपात 4:7 है तथा V और W का अनुपात 9:7 है। यदि U का वैल्यू 72 है, यदि U का वैल्यू 72 है तो W की वैल्यू क्या होगी? बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हमारे पास क्या क्वेश्चन है गिवन है, देखिए U और V का रेशियो 4:7 है और V और W का रेशियो 9:7 है। आपके पास U की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा बाबू, आपके पास U की वैल्यू कितनी है? 72। और एग्जामिनर जानना चाहते हैं कि W की वैल्यू क्या होगी। एग्जामिनर ने W की वैल्यू यहाँ पूछी है। देखिए किस तरह से इस सवाल को अटेम्प्ट लेंगे आप, बेहतर क्या है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि 4 यूनिट की वैल्यू 72 है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 72 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 72 है, यू की वैल्यू अगर 72 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 18। इससे अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 यूनिट की। 1 यूनिट की 18, तो 7 यूनिट की 18 = 126। इस तरीके से देखिए हमारे पास V की वैल्यू है और अगर हम W की वैल्यू चाहते हैं तो V की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है हमारा 126, V की वैल्यू जो हमने निकाला 126 वो हम यहाँ पुट अप करेंगे तो बहुत आसानी से हम W की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस सवाल को बनाने का ये बहुत सिंपल तरीका है। अब देखिए 9 यूनिट की वैल्यू 126, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से भाग देंगे तो 9 * 1 = 9, 3 = 36, 9 * 36 = 14, 9 * 126 तो 1 यूनिट की वैल्यू 14। और जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, देखिए जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि W की वैल्यू क्या होगी, एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है? W की वैल्यू क्या होगी? एग्जामिनर ने हमसे पूछा है W की वैल्यू क्या होगी, तो W की वैल्यू निकालने के लिए 1 यूनिट की वैल्यू 14 है तो इसी सेक्शन में W की वैल्यू कितने यूनिट है? 7 यूनिट। तो 1 यूनिट की 14, तो 7 यूनिट की 14 = 98। इस तरीके से इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, ये एक तरह से आपको हम लिख देते हैं मेथड 1। एक और मेथड से हम आपको इस सवाल को सिखा देते हैं जो आप यूज़ भी करते होंगे जनरली, वो मेथड भी एक बार आप देख लीजिए। आप ये कह सकते थे कि यू भी और डब्लू का हम रेशियो निकाल सकते हैं। यू भी कितना है? 4:7 और वी डब्लू कितना है? 9:7। इस तरीके से हम बहुत आसानी से यू भी डब्ल्यू निकाल सकते हैं। 7 * 49 = 63 और 9 * 36। आप ये कह सकते हैं कि यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 72। बाबू 36 यूनिट की वैल्यू अगर 72 गिवन है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ से 36 यूनिट की 72 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो 49 की वैल्यू यानी W की वैल्यू निकालनी है तो 49 यूनिट की वैल्यू 49 का दुगना कितना होगा? 98। W की वैल्यू 49 यूनिट का मान कितना होगा 98। तो दो तरीके से मैंने आपको ये सवाल सिखा दिया। बहुत इजी मेथड से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। SSC GD अपने 25 सवालों में लगभग 10 सवाल इतने ईजी देता है कि आप उसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और थोड़े बहुत सवालों को आप हल्का सा अटैम्प्ट लेकर थोड़ा बहुत कम अप्रोच, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अच्छा आप सही तरीके से बनाएंगे तो सारे ही सवाल मिनिमम टाइम में आप कर पाएंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये सवाल भी रेशियो का ही हमने लिया है, दो सवाल रेशियो के थे। देखिए इस सवाल में क्या है कि दो वस्तुओं का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। ध्यान दीजिएगा, 3:2 के अनुपात में है। दो वस्तु हैं उनका जो कीमत है वो 3:2 के अनुपात में है।
है 3:2। उसके बाद कहा गया कि पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, हम पहली वस्तु को 40% बढ़ा रहे हैं। 40% बढ़ाने का मतलब है 100 में 40 जोड़ेंगे, 140/100। और नीचे वाली वस्तु या दूसरी वस्तु को क्या कहा जा रहा है, देखिए एक्स परसेंट से घटाना है, तो 100 में से एक्स घटाएंगे 100/100। और कहा जाए इस प्रकार, यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 7:3। जो नया अनुपात है वो कितना है, 7:3। जो नया अनुपात है वो कितना है, 7:3। इस तरीके से बहुत आसानी से आप चीज़ों को सजा सकते हैं। और एक बार क्वेश्चन अगर आपने इस तरह इक्वेशन बना लिया तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, इसके अलावा 7 × 2 = 14 कट जाएगा, 2 से आप काटेंगे तो 10 बार में ये कट जाएगा, 3 × 3 = 9 90 हो जाएगा यहाँ पे, उस तरफ 100 - x हो जाएगा, यानी x = हो जाएगा 10। यानी दूसरी जो वैल्यू है उसे कितना परसेंट घटाया गया था, 10% घटाया गया था। बहुत ईजी सवाल है, बहुत सिंपल मेथड से, एकदम बढ़िया मेथड से आपको हमने बता दिया है। इस तरीके से अगर आप सवाल बनाएंगे तो आप सवालों को एग्ज़ाम में बहुत कम समय में बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखिए, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है, घर से दफ्तर जाता है तथा वहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के बीच की दूरी कितनी होगी। ये सभी सवाल SSC GD लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले दिन के पहले शिफ्ट के पेपर से लिया गया है। जितने भी सवाल आज हम सीख रहे हैं वो SSC GD के लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे पहले दिन जो पहले शिफ्ट का पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उस पेपर से इन सवालों को लिया गया है। और ये सारे ही सवाल बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, आप देखते जाइए के करके हम आपको बहुत सुंदर तरीके से सभी सवालों को बनाना सिखा रहे हैं। देखिए अगला सवाल, बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा। एग्ज़ाम में आपका सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं S1 × S2। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 × S2 (S1 + S2) × (time). हमने आपको ये बता दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कुल मिलाकर 9 घंटे लगते हैं, कुल मिलाकर यानी दोनों का सम है। ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर 9 घंटे लगते हैं तो प्लस, और कई बार डिफरेंस देता है कि जाने में आने के मुकाबले 9 घंटे ज़्यादा या कई बार कम लगते हैं, तो उस केस में डिफरेंस दिया रहता है, तो उस केस में यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस हो जाता है। बाकी सवाल बनाने का तरीका सबसे बेस्ट यही रहेगा कि S1 × S2 किया जाए। देखिए स्पीड 1 कितना है, 25, स्पीड 2 कितना है, 20, और S1 + S2 क्योंकि दोनों का योग दिया है, कुल मिलाकर 9 घंटे लगे हैं तो 20, 25, 45, और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 9, 9 × 5 = 45, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 20 × 5 = 100। कुल मिलाकर हमें 100 किलोमीटर का मामला है। बहुत एकदम बेस्ट मेथड, सबसे इजी जो टेक्निक हो सकता है, आप कम से कम समय में इस तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 4 देखिए, पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक होगा। एक बात और समझिए कि एग्ज़ाम में ये सब सवाल रेगुलर आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो ये सारे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, आपने इस तरह का सवाल बहुत देखा होगा। कई बार ये कहा जाता है कि राम का जो इनकम है वो श्याम से 20% ज़्यादा है, तो श्याम का इनकम राम के इनकम से कितना परसेंट कम होगा।
ज़्यादा देता है तो कम का पूछते हैं एग्जामिनर, कम का देते हैं तो ज़्यादा का पूछते हैं। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और बनाने का बड़ा सिंपल टेक्निक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं एन अपॉन 100 प्लस माइनस एन इंटू 100। बहुत सिंपल तरीके से इस तरह के सवालों को आप बना सकते हैं। ये आप तब भी लगा सकते हैं जब इनकम वाली बात हो, जब भी ज़्यादा दे कम का पूछे या कम दे ज़्यादा पूछे। जैसे मैं देखिए लिखा है पी क्यू से 40% कम है, देखिए एन की जगह बस वही 40 और कम है। ध्यान दीजिए बाबू, 40% क्या है? कम है। कम कहने का मतलब 100 में से 40 आपको घटाना पड़ेगा, माइनस का इस्तेमाल होगा, 60 और गुना कितने से 100। 20 × 60, 20 × 40, 200/3 का मतलब होगा 66.2/3%। ऑप्शन में से 66.66। इस सवाल को बनाने का ये सबसे सुंदर मेथड है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल को हम बताते हैं किस तरह से आप बनाएं कि आप बहुत कम समय में इस सवाल को अटेम्प्ट ले पाएं। देखिए लिखा है अनिल, दीपक और दिनेश। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में लिखा है अनिल, अनिल कितने दिन में करते हैं भाई? अनिल प्लस दीपक प्लस दिनेश, अनिल दीपक और दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिन में करते हैं। ये तीनों जब मिलकर करते हैं तो कितना समय लगता है? 35 दिन। ये तीनों जब मिलकर करते हैं तो समय लगता है 35 दिन। आगे देखिए, अनिल तथा दिनेश मिलकर एक इस कार्य को, अनिल तथा दिनेश मिलकर इस कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। और आपसे पूछा गया है दीपक अकेले, सवाल को बढ़िया से पढ़िए, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को हम बता रहे हैं, आपको बनाना सीखे। देख लीजिए, सवाल में लिखा है अनिल दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में करते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर सामान्य कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दीपक अकेला उस काम को कितने दिनों में? मतलब 3 का दिया है, 2 का गिवन है, 1 का निकालना है। बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए इसमें क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, 35, 60 और इसका, सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे वो देखिए, देखिए 35 और 60 का एलसीएम, एलसीएम कहें या एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से या इन दोनों से कट जाए। तो देखिए कैसे एलसीएम या एक ऐसा नंबर लेंगे जो सबसे कटे, 5 दोनों में कॉमन ले लिए पहले, फिर 7 से गुना कर लिए, 5 × 7 = 35 जो इससे कट जाएगा, और 5 को फिर 12 से गुना कर लिए ताकि हम 60 से भी काट सकें। ये एक ऐसा नंबर हमें मिल गया जो नंबर 35 से भी पूरा पूरा कटेगा और 60 से भी पूरा पूरा कटेगा। इस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं या फिर कोई एक ऐसा नंबर जिसे आसानी से डिवाइड किया जा सके। टाइम एंड वर्क को बनाने का ये बहुत अच्छा अप्रोच है, ये एलसीएम मेथड इसे कहा जाता है। देखिए जब 35 से भाग दीजिएगा तो 12 बचेगा, जब 60 से भाग दीजिएगा तो 5 और 12 कट जाएगा 7, और देखिए 3 का है 2 का है घटा लीजिए, 12 में से 7 गया इसका हो जाएगा 5, फिर 5 से भाग दे दीजिए। आपको अगर दीपक का निकालना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, टोटल वर्क कितने दिनों में होगा, तो टोटल वर्क कितना है और एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 5, तो टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क कर दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, 12 × 7 = 84। इस तरीके से इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, मिनिमम टाइम में कर सकते हैं।
चलिए जीडी के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला कार्य को 8 दिनों में। बहुत ईजी सवाल है। देखिए, ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में करता है और बी अकेला उसे 8 दिन में, बी अकेला उसे 8 दिन में करता है, दोनों मिलके। देखिए यहाँ पे है ना, ए और बी दोनों मिलके, तो 6 8 का एलसीएम, जब एलसीएम ऐसे ही 24, 6 चौक 24, 8 3 24 और 24 काम दोनों मिलकर करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, तो पूरे काम को करना, पूरे काम को करना और दोनों मिलकर करेंगे तो 4 3 7 से काम करेंगे, तो 24/7 ए और बी को कितना समय लगेगा, 24/7 दोनों मिलकर करेंगे तो इस तरह से। तो टाइम एंड वर्क के सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच जो आपका समय बचा सकता है, बहुत ज़्यादा समय आपका सेव कर देगा, वो है आपका एलसीएम अप्रोच। इसका इस्तेमाल आप टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में और इन सवालों को आसान बनाने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन कितना होगा, वजन कितना होगा, वजन कितना होगा, यही सवाल है। इसको बनाने का बहुत ब्यूटीफुल मेथड हम आपको बता रहे हैं। अध्यापक का वजन अगर निकालना है, टीचर का अगर आपको वेट निकालना है, तो तरीका है कि सबसे पहले छात्रों के समूह का औसत वजन था कितना, 31। इसके बाद टीचर के शामिल होने से औसत बढ़ गया, टीचर के शामिल होने से औसत बढ़ गया, इसका मतलब टीचर का वेट औसत से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये कैसे निकलेगा, कितना ज़्यादा है, कितना प्लस करना पड़ेगा, समझिए कितना बढ़ा है, एक एक बढ़ा है। छात्रों के एक समूह का औसत वजन कितना बढ़ा है, 1 किलोग्राम से बढ़ गया है, 1 किलोग्राम, और 22 छात्र थे। अगर टीचर शामिल होंगे तो लोग कितने हो जाएंगे, 23, और अगर 1 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो 23 एकम 23 बढ़ जाएगा। इसका मतलब टीचर का जो वेट है वो इससे कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। तो 3 1 4 3 2 5, सबसे आसान तरीके से इस सवाल को आप बना सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये रेगुलर सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे, ये हमेशा आते रहता है, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, एवरेज का ये सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 और A5 का औसत n है तो 5 नए निरीक्षण A1/100, मतलब सब में से, ध्यान दीजिएगा आप, ये जितने भी निरीक्षण थे, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, जितने भी डेटा हैं, सब में से 100-100 माइनस किया गया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि अगर प्रत्येक संख्या में से हम 100 माइनस करेंगे, अगर प्रत्येक संख्या में से हम 100 माइनस करेंगे तो नया औसत भी पुराने औसत में से 100 माइनस करके मिल जाएगा। देखिए बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि अगर आप प्रत्येक संख्या में से 100 माइनस कर रहे हैं तो नया एवरेज भी पुराने एवरेज में से 100 माइनस करके मिल जाएगा। इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। साधारण ब्याज का इस सवाल को देखिए। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, तो राशि क्या होगी। साधारण ब्याज का ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप बहुत ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट जब लगा है तो धन हो गया है 10,650। साथ ही छः वर्ष में, यानी प्रिंसिपल प्लस 6 साल का ब्याज लगा है तो धन हो गया है 11,076। इस सवाल को बनाना है कि राशि क्या होगा, या कई बार सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा, या सिंपल इंटरेस्ट कितना है, रेट कितना है, अलग अलग तरह से सवाल पूछे जाते हैं, बट इस सवाल में हमसे पूछा गया है राशि क्या होगा, प्रिंसिपल। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, 1 साल का SI।
छः, सात में से पाँच गया दो, और छः चार दस, कुल मिलाकर 426। आप कह सकते हैं कि एक वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल कैसे फाइंड होगा। बाबू किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप इसमें रख लीजिए, चाहे आप ऊपर वाले में रख दीजिए, एसआई की वैल्यू कहीं रख दीजिए, हो गया। देखिए प्रिंसिपल प्लस 5 इंटू एसआई, एसआई की वैल्यू कितनी आई 426 बराबर कितना है 10650। यहाँ से प्रिंसिपल बराबर कितना मिल जाएगा, ये हिस्सा उधर जाके घट जाएगा, 5 6 30 का 0, कैरी 3, 5 2 10, 3 13 का 3, कैरी 1, 5 4 20 और 1 21, घटा दीजिए इसको बस, 0 से 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 10 में से 2 गया 8, 8520, यही हमारा प्रिंसिपल है 8520। बहुत आसान तरीके से आप साधारण ब्याज का ये बहुत खूबसूरत सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल आया था, वो भी हमने इंक्लूड किया है, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जा रही है, 5 गुना। फिर कहा जा रहा है कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में राशि कितना गुना हो जाएगी, 125 गुना हो जाएगी। अगर इस तरह का सवाल आपने पहले बनाया होगा तो ये बहुत आसान होता है। इसमें पहला टाइम T1, T2, N1, N2 और रखने का तरीका सिर्फ इतना है, ये फॉर्मूला ही होता है, देख लीजिए, N2 बराबर N1 टू द पावर T2 बटा में T1। इस फॉर्मूले से आसानी से आप सवाल बना सकते हैं, N2 कितना है 125, जिसे हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, N1 कितना है, N1 है 5, और पहला टाइम दूसरा टाइम तो हमसे पूछा गया है, T2 हमें नहीं पता, और T1 कितना है 3। इस तरीके से बहुत आसानी से 5 से 5 कट जाएगा। इसके बाद T2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, यानी सेकेंड टाइम जो है या T2 जो है 3 3 कितना हो जाएगा 9। वेरी वेरी इजी मेथड, सबसे अच्छा मेथड है इस सवाल को बनाने का, बहुत मिनिमम टाइम में आप इस सवाल को बना सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का ये सवाल भी ऐसा है जैसे आप समझिए कि लगभग सारे ही एग्जाम में ही आता रहता है, तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें सवालों को मिनिमम टाइम में बनाने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, आज का 11 नंबर सवाल। 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 3 के पावर 3, और इसका हम HCF निकालना है। देखिए इस सवाल में हमसे पूछा गया है HCF, HCF निकालना है। HCF निकालने का तरीका क्या होता है, इस तरह के सवालों में जब आपका नंबर इस तरीके से गिवन हो, 2 to the power 3 into 3 to the power 5 एंड 3 to the power 3 into 5 to the power 2, इस तरह के सवालों में HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले HCF निकालने का बेस्ट टेक्निक है, दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, बेस देखिए, 2 इसमें है नहीं, 3 है, तो बस 3 ही तो कॉमन है, जो कॉमन है वो लिख लीजिए 3, और लोएस्ट पावर, 3 का दोनों में लोएस्ट पावर कहाँ पे है, 3 के पावर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो सबसे लोएस्ट पावर, यही इसका क्या हो जाएगा HCF। अगर एग्जामिनर ने महत्तम समापवर्तक की जगह, अगर HCF की जगह LCM पूछा होता तब इस सवाल का उत्तर क्या होता वो देख लीजिए। अगर LCM पूछा जाता तो हम सिर्फ कॉमन वाला हिस्सा नहीं शामिल करते, हम सभी संख्याओं को लेते एक बार, जैसे कि हम सबसे पहले कॉमन देख लें दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो 3 तो लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा 2 भी लेंगे, इसके अलावा बेस में 5 है 5 भी लेंगे, बस सर बेस में यही 3 संख्याएं हैं, 3 2 5, और इसका हाईएस्ट पावर लेंगे, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 5, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3, और 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 2। ये तरीका होता है HCF और LCM निकालने का इस तरीके के सवालों में। ये था क्वेश्चन नंबर 11, हम चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 12 में। ये देखिए एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग है ये देखिए स्क्वायर, इसके विकर्ण के बारे में दिया गया है कि ये 10√2 है।
आपको फॉर्मूला सारा याद रहना ज़रूरी है। अगर आप एसएससी जीडी या ग्रुप डी की एग्ज़ाम ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एडवांस सेक्शन का आपका फॉर्मूला बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाइए, क्योंकि ज़्यादातर सवाल फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कैलकुलेटिव ज़रूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज के डेट में शायद ही कोई एग्ज़ाम बिना कैलकुलेशन के हो रहे हों। सारे ही सवालों में हल्का फुल्का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कम से कम करें और ट्राई करें अलग अलग मेथड इस्तेमाल करने का, ताकि आप सवालों को बहुत कम टाइम में बना सकें। देखिए, ये है विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट टू गुना भुजा, रूट टू गुना भुजा। आप देख पाएंगे रूट टू से रूट टू कट जाएगा, यानी भुजा बराबर कितना मिल गया, 10। अगर भुजा 10 है तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, एरिया आपसे पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। एरिया बराबर होता है 10 का स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा। ये था आज का 12वां सवाल। अब हम सीखने जा रहे हैं आज का 13वां सवाल। 13वां नंबर सवाल क्या है वो देखिए। ये देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 21, 12 और 16 है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? एसएससी जीडी ने पिछले साल पेपर में सबसे पहले दिन इस सवाल को रखा है, पहले शिफ्ट में सबसे पहले ये सवाल पूछा गया है कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। निकालने का तरीका है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर। देखिए, 21 का 441, 12 का 144 और 16 का 256। 6 4 10 1 11 का 1 कैरी 1, 6 5 4 9 4 13, 1 14 का 4 कैरी 1, 4 1 5 2 7 1 8, 841। पता है इस पे रूट है, इसका मतलब ये हो जाएगा 29। ये हो जाएगा 29 मीटर लंबा छड़। एग्जामिनर को जब भी घनाव का विकर्ण पूछना होता है, वो सवाल को इसी तरीके से पूछते हैं, क्योंकि घनाव का विकर्ण ही जो है वही इस फॉर्मूले से बना है। ये जो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई है, क्योंकि आपने घनाव का विकर्ण पढ़ा होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जब भी एग्जामिनर को घनाव का विकर्ण पूछना होता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के साथ, वो इस तरीके के सवाल पूछते हैं। ये बहुत आसानी से आप इस तरीके के सवाल बना सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। 13 सवालों के बाद अगला सवाल 14 नंबर सवाल। ये देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। चलिए एक खूबसूरत सा शंकु बनाया जाए। ये देखिए, जो टोपी होता है जोकर का वही है ये शंकु। ऊंचाई हाइट को हम ग्रीन कलर से लिख रहे हैं 16, और आधार की त्रिज्या 30। चलिए, आधार की त्रिज्या 30। और क्या पूछा गया है? यदि इसे रंगने की दर 14 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने का खर्च कितना होगा? बाहर से रंगने का कुल खर्च कितना होगा? तो कुल खर्च कैसे निकलेगा? देखिए, कुल खर्चा कितना निकलेगा, जैसे देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले तरीका है कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे गुना पैसे से करेंगे, यानी पाई आर एल, और गुना किससे करेंगे, 14 से। चलिए पाई आर एल निकाला जाए, कैसे निकालेंगे देखिए बाबू। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सवाल आता है एल का, कि एल कैसे निकलेगा सर। देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकलेगा। पाइथागोरस जानते हैं, ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर, या आप फॉर्मूला याद करके रखे होंगे, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। एल इजिकल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256, 30 का 900 मिला देंगे, आराम से आप लिख सकते हैं। देखिए, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256, 30 का स्क्वायर 911। ये कितना हो जाएगा, 34। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए एल की वैल्यू रखा जाए, अब क्या करेंगे देखिए,
सात से हम काट दे रहे हैं 14 को दो बार में, 22, 34, 20, 30 दुनी 60 हो जाएगा डायरेक्ट, और 34 दुनी 68 का 8 कैरी 6, 34 दुनी 68 और 6 जोड़ेंगे तो 74। एक छोटा सा गुना करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, देखिए 6 8 48 का 8 कैरी 4, 6 6 24 और 4 28 का 8 कैरी 2, 6 7 42 और 2 44। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि 44,880 रुपये लगेंगे अगर आप इस शंकु को पेंट करना चाहते हैं तो, आपको 44,880 रुपये लगेंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से सवाल बनाया गया, लेकिन देखिए बस एडवांस में मैं इतना ही कहूँगा आपको कि फॉर्मूले को बार बार प्रैक्टिस करिए, बनाइए सवालों को खूब सारा प्रैक्टिस करिए, पर फॉर्मूले को याद करने के लिए उसे बार बार पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। आज का आखिरी सवाल देखिए, हमारे आज का आखिरी सवाल 15 नंबर सवाल, एक थैले में 1 रुपये, यहाँ थोड़ा सा एरर है ठीक कर लीजिएगा, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं, 420 रुपये हैं, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, यहाँ भी एक छोटा हुआ चीज़ है देखिएगा, 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो है 8:1:5, 8:1:5। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, इस सवाल को हमें देखना है कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। इस सवाल को बनाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा वो हम आपके सामने रख रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास है 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का, और इन सिक्कों की जो संख्या है उनका जो अनुपात है वो देखिए कितना कितना है, सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:1:5, 8:1:5। हमने यहाँ x यूज कर लिया, अनुपात हटा दिया हमने, अब हम इसे चेंज करेंगे पैसों में, अब इसे हम पैसे में चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज करेंगे देखिए, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 1 रुपये का अगर एक सिक्का रहेगा तो गुना होने पर मिल जाएगा हमें, देखिए एक ये 100 पैसे कर देंगे इसको, यहाँ पे ये 1 रुपये का सिक्का है तो 1 रुपये में 100 पैसे, 100 से गुना करेंगे तो 800x पैसे, 2 रुपये में 1 रुपये में 100 पैसे तो 2 रुपये में 200 पैसे, 1x के हिसाब से गुना कर दीजिए 200x, और 5 रुपये का अगर एक सिक्का रहेगा, गुना कैसे कर रहे हैं क्यों गुना कर रहे हैं समझिए, 1 रुपये का अगर एक सिक्का रहेगा तो 100 पैसे, 2 सिक्का रहेगा तो 200 पैसे, 8x सिक्के हैं तो गुना कर दिए हैं, इस तरह से यहाँ समझिए 5 रुपये का एक सिक्का रहेगा तो 500 पैसे, और 5 से गुना होगा तो चूँकि 5x सिक्के हैं तो 500 50 2500 x, सब पैसों को जोड़ देंगे तो 8 2 10 25 10 3500 x बराबर 3500 x रुपये कितने हैं देखिए 420 रुपये, रुपये को भी पैसे में बदल लीजिए, 420 और रुपये हैं पैसे में कर लीजिए, 7 5 7 6 42, एक्स का मान आ गया 5 12। आपसे पूछा क्या गया है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5x का मान, जब x का मान हमारे पास मिल गया, जब x का मान 12 है तो 5x का मान 5 × 12 = 60, ये है इस सवाल को बनाने का बहुत अच्छा तरीका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने आपको कुल मिलाकर 15 सवाल सिखाए, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपका SSC GD और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से आपको प्रिपेयर किया जाए, और जितने भी अच्छे सवाल हैं उन सवालों को टेकअप किया जाए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं,
आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, हमारा टारगेट 100% रहेगा, आप मन लगाकर पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।